कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर 4 स्टेशन परिसर में अनाधिकृत निर्माण पर मनपा की तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस निर्माण को कुछ वक्त पहले नोटिस जारी किया गया था। आइए देखते हैं इसके ऊपर एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि शहर में रास्ते की चौड़ाई को लेकर जगह जगह पर जो है कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कई जगहों पर जो कार्रवाई की गई थी वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है रोजी रोटी का सवाल भी उठ रहा था, लोग जो है कई जगहों पर बेघर भी हुए थे। तो ऐसे में यदि बात करेंगे तो हमने आपको बताया था कि स्टेशन परिसर के पास भी जो है नोटिस दिया गया था महानगर पालिका द्वारा। बहरहाल यहाँ पर देखते होंगे कि दिक्कतें काफ़ी यहाँ के नागरिकों को होती थी, क्योंकि जब स्टेशन परिसर से जब यात्री या फिर कोई नागरिक आता था तो आसपास में काफ़ी कंजस्टेड एरिया होता था, यानी कि भीड़ भाड़ होती थी और लोग जो है ठीक तरीके से चल भी नहीं पाते थे। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता था कि जो कि दुकानदार हैं उन्होंने काफ़ी जो है बाहर दुकानें ले ली थी, जिसके वजह से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें नागरिकों को होती थी, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को होती थी। तो बहरहाल नोटिस के बाद उल्हासनगर महानगर पालिका ने यहाँ पर सोमवार को जो है तोड़ू कार्रवाई की, जिसके बाद आने वाले समय में यहाँ पर जो दिक्कतें नागरिकों को होती थी वो कहीं ना कहीं कम होगी। बहरहाल कार्रवाई के बाद तो यहाँ पर कई लोगों की दुकानें गई हैं, कई लोगों की रोजी रोटी भी गई है, लेकिन स्टेशन परिसर के आसपास की यदि बात करें तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती रही है नागरिकों को। तो इस प्रकार की कार्रवाई जो कि शहर में विकास के लिए हो रही, तो कहीं ना कहीं समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन उन जगहों की यदि बात करें जहाँ पर जो कि कार्रवाई की गई है लेकिन वहाँ पर जो है लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, तो एक सवाल उठता है। बहरहाल स्टेशन परिसर के आसपास जो है अब नागरिकों को काफ़ी कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, खास करके उन लोगों को जो रोज़ाना रेल यात्रा करते हैं और अपने काम के लिए जाते हैं, व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं। इस तोड़ू कार्रवाई के चलते हमारे चैनल ने मुलाकात की मनपा अधिकारी से। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। गणेश शिल्पी जी, जानना चाहेंगे जिस स्टेशन परिसर के पास जिस प्रकार से आज जो महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई थी, किस प्रकार की कार्रवाई थी और जो नोटिस था उन्हें किस तरीके से दिया गया था? उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जिजा माता उद्यान से लेकर उल्हासनगर रेलवे स्टेशन, ये जो रोड है उसका काम लिया गया है। वो रोड में जो लोग आ रहे थे, जिनके दुकान वगैरह आ रहे थे, उनको 6 महीने पहले कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस दिया गया था, लेकिन वो लोगों ने अपने जो थे दुकान वो हटाए नहीं वहाँ से, इसलिए आज पुलिस बंदोबस्त लेके वो जो है हटाने की कार्रवाई की गई है। कितनी दुकानें जो है वहाँ पे ध्वस्त की गई है, साथ ही साथ और कितना आगे जो है इस पे और भी कार्रवाई चलेगी? आज जो है टोटल 21 दुकानों पर कार्रवाई हुई है और इसके आगे अभी रोड का काम चालू होने, जो जो समझो बीच में आएगा रोड के बीच में, वो हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जहाँ जहाँ पे कार्रवाई हुई कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का स्टे वाला जो है नतीजा सामने आया था, तो यहाँ पर कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसा नतीजा सामने था कि कहीं स्टे होगा? वहाँ पे जो टोटल 5 दुकानें उनको स्टे है, कोर्ट की तरफ से स्टे मिला है, तो स्टे हटाने के लिए महापालिका की तरफ से कोर्ट में जो है एफिडेविट दाखिल किया गया है, तो जैसे ही स्टे हटेगा वैसे ही वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन परिसर इस तरफ जो है कार्रवाई की गई, यानी कि 4 नंबर साइड पर स्टेशन परिसर का जो 3 नंबर का इलाका है जो उस तरफ पड़ता है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की कुछ कार्रवाई होगी, वहाँ के लिए कुछ नोटिस दिया गया है? उल्हासनगर स्टेशन का जो कैंप नंबर 3 का एरिया है वहाँ पे अभी तक कुछ ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है, आगे जब भी कार्रवाई प्रस्तावित होगी वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।